सरकारें जब रहती हैं प्रदेश के सहयोग से केंद्र में सरकार रहती है तो ये केंद्र से प्रस्ताव पास क्यों नहीं उतर आते हैं? तो ये 17 जातियों को एक तरह से त्रिशंकु बना करके रखने का काम, जुमला बोल करके, ये जुमला दिखा करके वोट लेने का काम सपा ने भी किया था, बसपा ने भी किया था, कांग्रेस ने भी किया था। 1881 अष्टम विधानसभा जो आठवीं थी, 81 में विधानसभा से पास हुआ कि भर राजभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया जाए, केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया जाए। उसके बाद सपा की भी सरकार आई, बसपा की भी सरकार आई, लेकिन किसी ने इसको सुध नहीं लिया। हम लोग पिछली बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार हम लोग इस माध्यम मुद्दे को लेकर मिलते रहे, लेकिन ठोस कोई जवाब नहीं मिला। तो फिर हम लोग कोर्ट का सहारा लिया, हमारे साथियों ने, जब कोर्ट से आदेश हुआ तो फिर इस मामले को लेकर 2 बार मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी और साक्ष्य इसके विषय में ले आओ तब हम देखें। फिर दोबारा जब रिमाइंडर हम लोगों ने कोर्ट को दिलवाया तो कोर्ट से जब आदेश हुआ कि 1 महीने के अंदर इसको कर दिया जाए, तब फिर इस बात को लेकर के मैंने फाइल मंगाई, क्योंकि इसको नकल लेने में थोड़ा टाइम लगता है, बड़ी लंबी प्रोसीजर वहाँ होता है। तो नकल जब मिल गई तो फिर कल मैंने टाइम लेकर के माननीय मुख्यमंत्री, ये माना जा सकता है कि ओम प्रकाश राजभर अब केवल भर और राजभर के हितों के अधिकारों में लड़ेंगे? हाई कोर्ट के आदेश को लेकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला हूँ, जो आदेश है इसका पालन कराने के लिए। हमारी लड़ाई वंचित पिछड़े दलित अल्पसंख्यक सबकी लड़ाई है, लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला। अच्छा, आपने कहा कि सत्ता पक्ष विपक्ष जब हम विधानसभा में बात अपनी उठाते हैं तो विपक्ष के जो समाजवादी पार्टी है, जो पार्टियों के नाम आप ले रहे हैं, वो हमारे साथ खड़े नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आप मिल करके आए, उन्होंने आपको भरपूर आश्वासन भी दिया और कार्रवाई भी जैसा बता रहे हैं कि आगे बढ़ाई है, तो मान के चले कि विधानसभा में आप सत्ता पक्ष के साथ रहेंगे? भाई, हम मुद्दों के आधार पर हम लड़ेंगे कि हम सत्ता पक्ष के साथ हैं? नहीं, साथ आपको मिला ना सत्ता पक्ष? देखिए, इस मुद्दे को, SC ST के मुद्दे को लेके उन्होंने कोर्ट का आदेश का पालन करने के लिए कहा है, ये नहीं कहा है कि आप सदन में हमारी मदद करिएगा, ये उन्होंने नहीं कहा। सदन की चर्चा आप जनजाति 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 आप कल मुख्यमंत्री से मिल करके आए और इधर जो है बसपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के समर्थन में ट्वीट कर रही है, करने दीजिए। अगर मायावती जी इस काम को कर दी होती तो आज कल मैं क्यों मिलता? अगर अखिलेश यादव जी कर दी होते तो क्यों मिलता? 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 4 बार बसपा की थी, लेकिन इन लोगों को किसी को दिखाई नहीं दिया। समाज के भी नेता उसमें मंत्री हुए, विधायक हुए, सांसद हुए, स्पीकर हुए, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दिया। अगर दिखाई दिया, लड़ाई समझ में आई तो ओम प्रकाश राजभर को, अगर मैं इस बात को लेकर मिला हूँ तो कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए मिला हूँ। आप सावधान यात्रा निकाल रहे हैं और उसमें आपका जो मोटिव है वो ये है कि विपक्ष से सवाल पूछने हैं, जबकि आप खुद विपक्ष में हैं और आपको तो सत्ता पक्ष से सवाल पूछने चाहिए। हम कहाँ सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं? विपक्ष से सवाल जब आप उठाएंगे हमारे ऊपर, हम आपसे सवाल करेंगे कि हम जाएंगे इनसे करने के लिए? अरे, आप सब सवाल तो अखिलेश यादव जी खड़ा कर रहे हैं, तो अखिलेश से ना पूछेंगे कि आप सत्ता में तो आपने इस काम को कर दिया होता। आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में 4 बार थी, दिल्ली में आपके समर्थन से कांग्रेस की सरकार थी, आपके पिताजी रक्षा मंत्री थे, अगर ये कर दिया होता तो आज इस प्रस्ताव को लेकर मैं क्यों जाता? तब तो नहीं जाता। डबल इंजन की सरकार सवाल नहीं पूछेंगे? क्यों पूछेंगे, देखिएगा, आज पूछेंगे। शेष जातियां कोई अनुसूचित जाति में चली गई, कोई जनजाति में चली गई, ये छूट गई, तो इसको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। इस बात को कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं पूरी फाइल लेकर के गया और उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने अपनी सहमति जताई और समाज कल्याण को तुरंत उन्होंने आदेशित किया कि ये प्रस्ताव बना करके तत्काल भारत सरकार को भेजा जाए। और ये होने से जो निचली पादान पे खड़ा भर राजभर जाति, आज इसके न IAS हैं, न IPS हैं, न कहीं दरोगा मिलते हैं, न सिपाही मिलते हैं, न बाबू मिलते हैं, ये काम हो जाने पर पहले इनको शिक्षा में सहूलियत मिलने लगेगी। दूसरा, हमने एक प्रस्ताव दिया था
भूमाफियाओं की आड़ में, भूमाफियाओं की आड़ में जो गरीब कमजोर वंचित पिछड़े दलित थे, जो 50 साल 60 साल से बसे हुए लोग हैं जमीनों पर, वो भूमिहीन है, वो भूमाफिया नहीं है, लेकिन गांव में रंजिश बस इनके मकान गिराए जा रहे हैं। इस संबंध में भी माननीय मुख्यमंत्री जी से कल मैंने चर्चा की, उन्होंने कहा कि इसके पहले मैंने एक आदेश जारी किया हूँ, ठीक है, तो फिर उन्होंने तुरंत बुला करके प्रमुख सचिव को कहा कि देखो ये मामला संज्ञान में आया है, इसको तत्काल जो है इस तरह की कार्रवाई न हो, गरीब कमजोर न उजाड़े जाए भूमाफियाओं की आड़ में, इस पर त्वरित कार्रवाई हो। ये दो मुद्दों को लेकर के कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, मिल करके उनको अवगत कराया। तो आप लोगों के माध्यम से ये मैसेज हमारे समाज के, जब सदन में हम इस बात को लड़ते हैं तो ना तो सपा के राजभर नेता बोलते हैं ना बीजेपी के बोलते हैं, कोर्ट के आदेश के बाद भी कोई साहस नहीं जुटा पा रहा था, अगर ये नेता माननीय मुख्यमंत्री से मिल लेते तो या तो पार्टी से निकाल दिए जाते, ऐसा भैंस आता है, ऐसा लोगों को भैंस आता है। और आज जब हम मिले हैं तो तरह तरह की चर्चाएं लोग कर रहे हैं, ये समाज की लड़ाई है, समाज की लड़ाई सबके बस का नहीं होता है, ये लड़ाई अगर वंचित पिछड़े दलित की कोई लड़ सकता है फ्रंट पे आकर के बोल सकता है, तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा हम ये परवाह नहीं करते कि मुझे मेरे साथ क्या होगा। आप लोग बखूबी आज 5.5 साल से देख रहे हैं,